ये निगम बोगी लेके से कुछ बस स्टैंड है, एसी वाली बसे से, तो ये सब पूछते हैं कहाँ सी वाली। पहली बार मैं श्रीलंका में एसी वाली में बैठी हूँ। 50 रुपए की एक तो श्रीलंकन हाईवे एक्सप्रेस। ये केले लिए और बिस्किट लिए 180 रुपए का। से चलते हैं कोलंबो, देखते हैं बस किधर से आती है पता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा मिरिसा में लास्ट डे और हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। मिरिसा का कुछ ऐसा था नज़ारा। ये था हमारा हॉस्टल, वो वाला रूम इधर और भी है। इस तरह से कुछ था हमारा यहाँ पे मिरिसा में। बाकी ये जो पेड़ दिख रहा है आपको नारियल वाला, उसके बाद बीच है, ऐसे तो मुझे दिख रहा है लेकिन गोप्रो में आपको नहीं दिख रहा होगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने, अगर आप मेरा श्रीलंका का सारा सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको मैंने बताया कि आपको एक ऐसा रूट बताऊँगी जो कम खर्चे में आप पूरा श्रीलंका घूम सकते हैं। पूरा मतलब पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट सेंट्रल सारा कम खर्चे में, और सारा डिटेल भी मैं बताऊंगी खर्चे वाला लास्ट ब्लॉग में बताऊंगी। वो अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो मिरिसा से जस्ट यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि आप अभी फिर दोबारा मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो था रूट, वो रूट था पहले कोलंबो हम लोग उतरे, कोलंबो से हम लोग डायरेक्ट ट्रेन लेके गए फिर जाफना, जाफना से फिर सेंट्रल कैंडी का सारा सिगरिया सारा घूम घाम के फिर हम लोग नीचे आ गए साउथ में। साउथ से अभी साउथ मिरिसा में है, साउथ से अभी हम लोग जा रहे हैं निगम्बो। कोलंबो हम लोग स्किप कर रहे हैं, कोलंबो में इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा पर्सनली, बाकी आप लोग कवर कर सकते हो क्योंकि मिरिसा से डायरेक्ट कोलंबो की ही बस मिलती है, निगम्बो की डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो हम लोग पहले कोलंबो जाएंगे, कोलंबो में नहीं रुकेंगे, निगम्बो में रुकेंगे, क्योंकि निगम्बो में रुकने का फ़ायदा ये होगा कि निगम्बो से एयरपोर्ट नज़दीक है, 7-8 किलोमीटर है। और आपको जो है कोलंबो सिटी से आपको जो एयरपोर्ट होगा वो 30 किलोमीटर होगा। तो आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, कोलंबो से भी आ सकते हैं या फिर निगम्बो से आ सकते हैं। तो हमने निगम्बो चुना है तो निगम्बो से आएंगे। बाकी मेरा ये बैकपैक रहा, अब निकलते हैं। ये कुछ इस तरह से था ये वाला पूरा। बाकी हम लोग जो है कोलंबो डायरेक्ट जाएंगे बस से, उसके बाद वहाँ से निगम्बो निकल जाएंगे क्योंकि निगम्बो में एक दिन रहना है। फिर हमारी रिटर्न बैक है परसों की, मतलब परसों का कोई गिनना नहीं है क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग है, तो हमें 6 बजे ही पहुंचना पड़ जाएगा एयरपोर्ट। 9 बजे की फ़्लाइट है तो पहले पहुंचना पड़ जाएगा, तो यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा अभी। तो पहले अभी कोलंबो चलते, कोलंबो में रुकेंगे नहीं, कुछ खा के फिर वहाँ से निगम्बो निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से था। तो चलो बाय बाय मिरिसा, अब पता नहीं कभी ज़िंदगी में आएंगे भी कि नहीं आएंगे श्रीलंका, नहीं मालूम। ऐसे वन टाइम विज़िट तो है श्रीलंका, बाकी टू टाइम विज़िट का मैं नहीं कह सकती हूँ अभी। कुछ ऐसा था नज़ारा, बाकी इस तरह से था। बाकी चलो चलते हैं बस बैठते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो भाई मैंने ये केले लिए और बिस्किट लिए 180 रुपए का श्रीलंकन में, कि ब्रेकफास्ट हो जाएगा मेरा। और बाकी अभी यहाँ से चलते हैं कोलंबो, देखते हैं बस किधर से आती है, पता करते पहले बस, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये हमारा लैंडलॉर्ड का जो था दुकान, यहीं से लिया है मैंने ये रहा। तो हमें लैंडलॉर्ड ने बताया कि पहले माटरा जाऊँ, माटरा से डायरेक्ट बस मिलेगी। अगर यहाँ से बैठते हैं तो हमें रुक रुक के जाएगी, तो हमें डायरेक्ट बस लेना है कोलंबो की, वहाँ से जाएंगे फिर निगम्बो। तो माटरा जो कल हम लोग गए थे एटीएम पैसे निकालने, यहाँ से ज़्यादा दिन नहीं, 70 रुपीज़ श्रीलंकन लेता है, तो आता है इधर से आएगी बस, तो इधर से बस आती है। तो चलते हम लोग माटरा, वहाँ से डायरेक्ट बस ले लेंगे। वहाँ बोला एसी वाली भी बस मिल जाती है, तो देखते हैं। आई थिंक एक बस आ रही है माटरा की, तो वो बस रोकते हैं, चलते हैं। ये रहा मेरा बैकपैक। ज़्यादा बसेस नहीं है निगम्बो की, लेकिन कोलंबो की यहाँ पे हर घंटे चलती है, मतलब हर आधे आधे घंटे में।
तो सोच रहे कि निगम्बो की बस अगर अभी मिल जाएगी तो ले लेंगे, नहीं तो फिर देखते कैसे क्या करते, क्योंकि बोला कि अगर अभी होता है तो ले लो, नहीं तो 1 बजे की बस एक हो जाएगी निगम्बो, डायरेक्ट निगम्बो जाएगी वो, तो देखते हैं अगर अच्छी बसेस मिल जाती है तो चलते उसी में। ये इस तरह से कुछ बस स्टैंड है। बाकी जो मिरिसा जो है ना बहुत टूरिस्टिक प्लेस है, तो मिरिसा की डायरेक्ट बसेस नहीं होती है, तो ये माटरा जो है मेन है, माटरा से जो मिरिसा है बस 20 मिनट है, तो यहाँ से 70 रुपीज़ श्रीलंकन में लेते हैं, वो आपको छोड़ देंगे। ये एसी वाली बसेस है, तो ये सब पूछते हैं कहाँ कहाँ की है, देखते हैं कहाँ जाती है। इस बस में जा रहे हैं काडूवेला में उतार देगा, हाईवे है वो, वहाँ से निगम्बो की बस मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं पहले इस बस में। इसका जो है 1150 रुपये है इसका प्राइस, यहीं पे रखेंगे 1150 रुपया है इसका प्राइस श्रीलंकन में। तो बैठते हैं, यहाँ भी बैठूंगी मैं। आगे देख देख के जाऊंगी, ये बस मैंने ले ली। तो बस तो मिल गई हमें एसी वाली, पहली बार मैं श्रीलंका में एसी वाली में बैठी हूँ, नहीं तो नहीं ना रूम मिल रहा था एसी वाला, ना कुछ भी मिल रहा था, तो ये मिली। आप तो बोलोगे कि दिसंबर जनवरी में मैं वीडियो डाल रही हूँ और एसी का, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी है, दिसंबर जनवरी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए एसी का बस मिल गया हमें। ये कुछ है किंग लॉन्ग बसेस का नाम है, जो उसका वेबसाइट का नाम देख सकते हो kinglong.com। बाकी कुछ ऐसा है इधर का, मैं आगे ही बैठे हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं वीडियो बनाते बनाते जाऊँगी। ये जो है हाईवे में उतार देगी, वहाँ से फिर 400 की है श्रीलंकन में, वहाँ से फिर निगम्बो की बस मिल जाएगी डायरेक्ट बस 1 बजे की, तो 1 बजे तक कौन वेट करेगा, 1 बजे तक ऐसे भी खाने पीने में पैसा खर्चा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या सीन है ना कि अगर आप जैसे कि खाना खाते हो ना, खाना खाते हो आप जैसे, तो आप अगर दोपहर में रहेगा तभी आपको दाल चावल वाला बफेट मिलेगा कहीं भी, तो मुझे दाल चावल खाना रहता है, तो मुझे दोपहर तक कहीं मैं खा लूँगी बफेट वाला, तो मस्त रहेगा। और कुछ इस तरह का है, सारे एसी वाले बसेस लगे हुए हैं, वो देख सकते सारा ऐसा नज़ारा है। तो ये टिकट है 1150 रुपये की, एक तो श्रीलंकन हाईवे एक्सप्रेस हमें ये हाईवे वाला है और वो है, तो कहीं हाईवे पे ही उतरेंगे निगम्बो के लिए, तो जहाँ पे उतरेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये टिकट है कुछ इस तरह का, देख लो आप लोग। और ये श्रीलंकन नोट है, तो मैं 1500 रुपये दे रही हूँ, वो मुझे पैसे लौटा देगा 1150 रुपये का। भाई मैं सो रही थी, सो के उठ के देख रही बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया यहाँ का। अब देखो कहाँ पर उतरना है, हाईवे पे ऐसे उतरना है, अगर मान लो हाईवे पे उतार दिया तो हम तो भीग ही जाएंगे। देखो पूरा बारिश एकदम हो रहा है, नाला को देख सकते हो आप लोग। गया भीग भीग के, भीग जाएंगे यार, तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। ये ग्रीन कलर वाली बस बताई है निगम्बो के लिए, देखते हैं निगम्बो वाला वहाँ पे जाके पहले बचते हैं, यही भीग भीग के तबीयत ख़राब हो गई। हाँ देखते पूछ लेते पहले, ये वाला दिस बस इज गोइंग टू निगम्बो, निगम्बो दैट साइड, उस साइड चलो। इधर से ही आ जाओ, एक्सक्यूज मी दिस बस गोइंग टू निगम्बो, नो गो निगम्बो दिस साइड, रेड कलर द या द वाइट कलर, ओके आओ इधर। अब देखते हैं यहाँ पे बैठ के निकलते हैं, भीगना नहीं है, तबीयत खराब हो जाती है। ये कुछ इस तरह का बस स्टैंड है यहाँ पे, ये पूरा तो ये बस है निगम्बो के लिए, वाइट कलर की। वाईफाई भी है, देखते हैं वाईफाई क्या है, वाईफाई करता भी है कि नहीं काम, देखते हैं। तो बैग यहाँ पे सेट हो गया है कुछ इस तरह का, 1 1 एंड 2 दिस, देखो 2 इधर है और 1 इधर पे सीट है, तो इधर का मैंने लिया ही, विंडो साइड अभी देखते हुए जाऊंगी।
कुछ इस तरह का है सारा, और ये वाला इस तरह का है। 1 बज रहा है, तो आप देखो 1:05 हो रहा है, आप कितने बजे पहुँचते वो देखना है। तो अभी टाइमिंग हो रही है 1:52, और अभी खुली है यहाँ से बस। ये कोई बस स्टैंड है इस टाइप का, देख लग सकते हो। अभी आप चलते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा मेरा। बज रहे 2:49 और आई थिंक ये बस स्टैंड है, तो पहुंच गए हम लोग। चल रहे थे, उतरते हैं। ये रहा मेरा बैग। बस उतर दिया। तो ये कुछ इस तरह का निगमो शहर है, ये बस स्टैंड है। अब अपना हॉस्टल देखते हैं सही से, उसके बाद डेढ़ किलोमीटर के लगभग है हॉस्टल। तो ऑटो करना पड़ेगा क्योंकि इसका सामान बहुत भारी है, तो करना पड़ेगा। मेरा तो बैग पैक है, मैं जा सकती हूँ 1-1.5 किलोमीटर पैदल, बट जाना पड़ेगा। पूछते कितना लेता है। चलो ये रहा कुछ ऑटो वगैरह यहाँ पे है, पूछते हैं। चलो इससे चलो भाई 300 बोला है, देखते हैं कितनी दूर। कुछ इस तरह का है निगम्बो का बस स्टैंड। बारिश हो रही है इधर। आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये जो मिरीसा है तो जस्ट नज़दीक है, मैं अपने देख सकते हो। ये मिरीसा है, ये कोलंबो, ये निगम्बो। फिर भी यहाँ पे ना जो है बारिश इधर होती है और वहाँ पे पूरा गर्मी धूप होता है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा समुद्र वाला इलाका है। कुछ इस तरह से चलते हैं, उसके बाद कुछ खाना वाना करने के लिए पहले पहुँचते हैं हॉस्टल तक। तो गाइस तो पहुँच चुके हैं, अभी दिखाऊंगी मैं प्रॉपर्टी बाद में, पहले चेक इन कर लेते हैं। इधर सारा एरिया मच्छी वाला एरिया है, इतना एरिया ही जो इधर है ना मच्छी बेचने वाला एरिया है। ये है न्यू रेस्ट हाउस निगम्बो, देख सकते हो। कुछ इस तरह से डच वाली बिल्डिंग है, जो डच बताया जैसे कि यहाँ पे डच लोगों ने आए थे यहाँ पे, तो डच टाइप में वाली बिल्डिंग है। तो देखिए डॉगी भौंक रहा है, आ रहा हूँ, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे।